नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच में शुरुआत से ही काफ़ी कुछ देखने को मिला है, जहां विराट कोहली ने आज सुबह फिर से टॉस हारा। वहीं एक बार फिर कई उम्मीदों के बाद भी रवि अश्विन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए। मगर इस मैच में जो सबसे हैरान कर देने वाला फैसला था, वो था रविंद्र जडेजा का बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट होना। आज जडेजा को बल्लेबाजी के लिए रहाने और पंत से पहले नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। फैसला क्या सोच कर लिया गया था ये तो कप्तान और कोच ही जाने, मगर इस फैसले की कई दिग्गज खिलाड़ियों ने कड़ी निंदा की है। अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो वहां तो जमकर कोहली के इस फैसले पर मजाक बन रहा है। आलम ये है कि लोग ट्विटर पर लगातार मीम्स के जरिए अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। शायद सोशल मीडिया पर लोगों की नाराज़गी थोड़ी कम होती अगर जडेजा कुछ रन्स बना जाते, मगर जडेजा सिर्फ 10 रन बनाकर ही वोक्स का शिकार हो गए। लोगों का मानना है कि शायद मैनेजमेंट ने ये फैसला इसलिए लिया हो क्योंकि पंत और रहाणे दोनों ही इस सीरीज़ में ख़राब फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में जडेजा क्रीज पर कुछ वक्त बिताकर अच्छा खेल दिखा सकते थे। वहीं कईयों का ये भी मानना है कि शायद जडेजा को इस पूरी श्रृंखला में बल्लेबाजों के साथ खेलने का मौका नहीं मिला, इसीलिए वो अपनी पूरी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, मगर जडेजा को रहाणे और पंत से पहले भेजना टीम के लिए कारगर सिद्ध नहीं हुआ और ना ही ये जडेजा के लिए बेहतर साबित रहा। इसी के साथ साथ भारत को जल्दी जल्दी विकेट्स गंवाने पर दबाव भी झेलना पड़ा। शायद रहाणे पहले बल्लेबाजी करने उतरते तो भारत की स्थिति बेहतर हो सकती थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।